हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फोर का मैथ है, मैथ्स क्लास फोर चैप्टर वन है और एक्सरसाइज वन है। तो एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत सारा कमेंट मिला कि सर क्लास फोर का मैथ दीजिए, और एक बच्चे ने ऐसा कमेंट किया था कि सर ऊँचे क्लास का जो है उसका तो एनडी भी मिलता है, लेकिन नीचे क्लास फोर क्लास का जो मैथ है उसका कुछ इस तरह का कोई किताब नहीं मिलता, हेल्प बुक नहीं मिलता है। तो कृपया करके मतलब आप जो है वीडियो बना दीजिए। हालांकि क्लास फोर का मैथ जो होता है वो काफ़ी इजी होता है, इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर बाद में मेरी समझ में आया कि मेरे लिए इजी है, बच्चों के लिए इजी नहीं है। इसीलिए सोचा कि नहीं, बच्चे अगर बोल रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए बना देना चाहिए, और बना देता हूँ मैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज वन को आज कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी ये भरा हुआ था, इसीलिए मैंने इसको और वाइटनर मार दिया है, क्योंकि भरा हुआ रहेगा तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं उसको पॉज करके उसी को लिख लेते हैं। तो बेहतर है कि आप यहाँ समझ के बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर वन में राइट द नंबरल इन द बॉक्स विच हैज़, यहाँ पे इस तरह के नंबर सेट करके इस बॉक्स में भरना है। तो यहाँ पे बॉक्स तो यहाँ पे नहीं भरेंगे, अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है, वंस प्लेस जो होता है वो इधर होता है, राइट साइड में होता है, और सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा थाउजेंड्स है, हंड्रेड, वंस है, यहाँ पे टेंस नहीं है। तो आप लोग इसमें पढ़े होंगे वंस टेंस जो होता है, तो इसमें क्या होता है, वंस होता है, वंस उसके बाद टेंस होता है और हंड्रेड्स होता है। उसके बाद होता है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स होता है, और यहाँ पे थाउजेंड्स से आगे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इसके आगे भी होता है आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे थाउजेंड तक दिया हुआ है, तो थाउजेंड्स जो होता है सबसे इधर होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है थ्री, थाउजेंड्स जो है इसमें थ्री है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम थ्री लिखेंगे, उसके बाद हंड्रेड का घर होता है तो हंड्रेड लिखेंगे, फोर, उसके बाद टेंस प्लेस जो है वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, टेंस यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हंड्रेड के बाद टेंस लिखा जाता है लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम जीरो लिख देते हैं, और लास्ट में वंस होता है तो वंस यहाँ पे फाइव लिख देते हैं। बस ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में उसी तरह का है, नाइन हंड्रेड्स, यहाँ पे टू वंस हो गया, थ्री टेंस हो गया एंड फाइव थाउजेंड्स, तो यहाँ पर सब दिया हुआ है, तो यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो फाइव थाउजेंड्स जो है पहले यहाँ लिखते हैं, फाइव हो गया, और थाउजेंड्स के बाद यहाँ हंड्रेड्स लिखते हैं तो नाइन हो गया यहाँ पे, उसके बाद टेंस तो थ्री हो गया, और वंस प्लेस पे दिया हुआ है टू, तो यहाँ पे टू हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में एट टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, तो यहाँ क्या नहीं दिया, वंस नहीं दिया हुआ, तो वंस नहीं दिया हुआ, सबसे बड़ा जो है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, सिक्स थाउजेंड, तो सिक्स दे दिए यहाँ पे, उसके बाद हंड्रेड्स में फोर है तो फोर दे दिए, और टेंस, टेंस पे एट है, वंस पे जहाँ नहीं दिया हुआ है वहाँ पे हम जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जीरो रखते हैं, क्योंकि थाउजेंड्स में फोर डिजिट का नंबर होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, अगर हम थ्री डिजिट तक ही लिखते हैं तो ये थाउजेंड्स नहीं बनेगा, हंड्रेड तक ही रहेगा, इसीलिए यहाँ जीरो देना ज़रूरी है। उसके बाद नाइन थाउजेंड्स, और वंस दिया हुआ है, टेंस दिया, हंड्रेड्स नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया हुआ है उसके जगह पर जीरो रखेंगे, तो नाइन थाउजेंड्स हो गया, उसके बाद हंड्रेड्स नहीं दिया हुआ है तो हंड्रेड की जगह पर जीरो रख दिए, और टू टेंस, टू और वन, वन प्लेस पे वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर टू, तो यहाँ पे इसको समझना है थोड़ा ठीक से। यूज़ द डिजिट्स गिवन ऑन द कार्ड्स एंड फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट। फोर डिजिट का ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कार्ड्स पे, तो इस नंबर को यूज करते हुए फोर डिजिट का नंबर बनाना है, एक बनाना है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे लार्जेस्ट दिया हुआ भी है और यहाँ जगह खाली रखा हुआ है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है, एक सबसे छोटा नंबर बनाना है, फोर डिजिट का बनाना है, ध्यान रखना है कि फोर डिजिट का नंबर बनाना है। तो एक पेपर ले लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। हमारे पास कौन सा नंबर है, एट है, फोर है, जीरो है और सेवन है, ये है, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, लार्जेस्ट बनाने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको लिया जाता है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा नंबर लिए, एट, इससे छोटा क्या है, सेवन, उसके बाद फोर, उसके बाद जीरो, ये है।
इसका मतलब लार्जेस्ट ये हो गया, तो इस नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं 8740, 8740 ये नंबर लिख दिए। उसके बाद स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करना है कि इसको रिवर्स कर देना है, लेकिन रिवर्स करेंगे इसीलिए यहाँ जीरो दिया हुआ है। रिवर्स अगर करते हैं तो वो थ्री डिजिट का नंबर हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 4048, अगर हम रिवर्स करके ऐसे लिख देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फोर डिजिट का नंबर नहीं बनेगा क्योंकि ये जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 478 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है। तो क्या करना है, सिर्फ फोर को उठा के इधर करना है और जीरो को इधर कर देना है, बस यहाँ पे 4078 ये हो गया, ये सही होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4078, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो गया लार्जेस्ट नंबर, कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो बना हुआ है पिक्चर, इन इच ग्रुप स्प्लिट द नंबर गिवेन इन द ट्रायंगल इन थ्री पार्ट्स। यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये तीन पार्ट में दिया हुआ है, ये जो नंबर बीच में दिया हुआ है इस नंबर को अलग अलग तोड़ के दिया गया है, अगर इन सारे नंबर को हम जोड़ लेते हैं ट्रायंगल के तो ये इतना आ जाएगा। एंड फिल द ब्लैंक सर्कल, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, और इसको भरना है इस तरह से, इसको कंप्लीट करते हुए, और पहला जो है ये बनाकर दिखा दिया गया है कि इस तरह से बनेगा। बी नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 730, और जिसमें से ये दो भाग में दिया हुआ है 240 और 360, तो इन दोनों को और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं जितना आएगा, फिर उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्या आने वाला है वो नंबर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे 240 और 360 को ऐड कर लेते हैं, तो 240 और 360 ऐड हो जाएगा, तो 0 हो गया यहाँ पे और 10 हो गया, तो यहाँ फिर 0 हो जाएगा, 1 बच गया और यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 600 हो गया, और मेरे पास टोटल कितना है 730, तो उसमें से माइनस कर लेते हैं तो वो नंबर मिल जाएगा जो हमको भरना है, तो 730 600 से करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 130 इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 130 ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ये दो जगह भरा हुआ है और यहाँ पे ये खाली है, तो इन दोनों को सबसे पहले हम ऐड करेंगे और फिर इससे उसको माइनस कर देंगे, तो ऐड कर लेते हैं 295 और यहाँ पे 312 हो गया, इसको ऐड करेंगे 7 और यहाँ 10 की 0 और यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया, तो 607, तो उसको माइनस किससे करना है, इसको माइनस करेंगे 913 607 इससे करेंगे माइनस, तो यहाँ हो गया 13 हो गया, 13 में से 7 तो 6 बचेगा और यहाँ पे हो गया 0, तो 0 हो गया, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, ये 0 हो गया और यहाँ 9 में 6 3 हो गया, तो 306 इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 306 ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें और दो ठो दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे डी नंबर में दिया हुआ है 999, जिसमें से दो नंबर दिया हुआ है और एक नंबर नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे 532 259, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 11 हो गया, 1 बच गया, 8 और 1 9 हो गया और 527, तो 791 हो रहा है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं 999 से 791, 9 में से 1 तो यहाँ 8 हो जाएगा और 9 में से 9 0 हो गया, 9 में से 7 208 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे 208 हो जाएगा, तो भर लेते हैं इसको 208 कंप्लीट हो गया। लास्ट बचा हुआ है ई नंबर का, और यहाँ पे 769 दिया हुआ है और इसको ऐड कर लेते पहले 242 और 308, इसको करते हैं प्लस, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5415 हो गया और यहाँ भी हो जाएगा 5, तो 769 से 550 को करेंगे माइनस, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया, इसका मतलब है कि 219 यहाँ पे आ जाएगा 219, इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 4 में।
बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और यहाँ पे इस तरह का एक पिक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू एज डायरेक्टेड एंड फिल द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है और डायरेक्शन देते हुए बतला रहा है कि यहाँ 745 दिया हुआ है, एड मतलब इस पर जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 200 जोड़ना है, और जितना आएगा उसमें से 75 माइनस कर देना है, उसके बाद फिर 125 सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर माइनस कर देना है, फिर यहाँ पे कितना आएगा। तो हम लोग एक पेपर ले लेते हैं रफ करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कितना है, 745, और इसमें ऐड कितना करना है, 200 करना है, ऐड प्लस करना है, तो 5 हो गया यहाँ पे, और 4, और फिर यहाँ 7 और 2, 9 हो गया, मतलब यहाँ पे 945 आ गया। तो यहाँ भर लेते हैं हम लोग 945, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 75, जो नंबर आया तो उसमें 75 माइनस कर देना है, 75 माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 0 हुआ, फिर यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 7, तो 7 आ गया, और यहाँ पे 8 हो गया, मतलब 870, यहाँ पे 870 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट 125, इसको जो है 870 में से 125 को माइनस कर देना, तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 125 माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 में से 5, तो 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 6, तो 6 में से 2, फिर 4 हो गया, यहाँ 8 में से 1 हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 745, फिर से जो नंबर पहले था वही नंबर यहाँ पे आ जा रहा है, 745, ये हो गया, यहाँ भर दिए। और इसके आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू गेट इन द एंड, आपने अंत में क्या पाया, तो क्या पाया, ये 745। डू यू नो वाई, कि ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, 200 ऐड हुआ, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके फिर 200 माइनस हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज एज वी ऐड एज सब्ट्रैक्ट, जो हमने मतलब जितना हमने जोड़ा उतना ही उसमें घटा भी दिया, इसीलिए जो नंबर पहले था वही रह गया। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ क्या कह रहा है, ए एंड वी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू गिवन नंबर्स, ए और बी, यहाँ पे एक नंबर लाइन दिया हुआ है और इसका मिड पॉइंट है मतलब बीच में है, व्हाट नंबर विल यू पुट इन प्लेस ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे इसके बीच में है तो कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, ए नंबर में, बी नंबर में, ए नंबर में, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 1000 है और यहाँ 2000 है, तो 1000 और 2000 के बीच में कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1500, 1500 हो जाएगा, और यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 750 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक पेपर ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसके बीच में क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये बड़ा नंबर जो है उसमें छोटे नंबर को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे ये 750 है और 500, यहाँ पे इसको कर दिया माइनस, 0 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया, अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया, 2 1 से जाएगा, 2 कट गया और 5 आ गया, तो यहाँ पे 2 जा 4 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ 0, 2 5 जा 10 मतलब कट गया ये, तो 125 आ रहा है, तो 500 में 125 ऐड कर देते हैं, 500 में 500 प्लस 125, 5 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, मतलब 625 हो जाएगा, तो यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा 625, ये हो गया, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंस, यहाँ पे ध्यान देना है इस वर्ड्स पे, नियरेस्ट टेंस, एंड फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड सम्स ऑफ 126 एंड 311, इसका दोनों तरफ का एड जो निकालना है, सम्स निकालना है, एक सबसे पहले एस्टिमेट वाला नंबर भी निकालना है और एक एक्चुअल जो इसका आएगा उसको भी निकालना है, तो यहाँ पे पेपर लेके ही निकालते हैं। टेंस का एस्टिमेट करना है तो कई बार मैं बतला चुका हूँ, शायद 4 क्लास के बच्चों को नहीं बताया, टेंस एस्टिमेट करना है तो यहाँ पे वंस टेंस यहाँ जो है ये हो गया, यहाँ पे एक्चुअल नंबर पहले उसके बाद एस्टिमेटेड नंबर उसके बाद ये निकालने के लिए बोल रहा है, पहले एक्चुअल निकालना है फिर एस्टिमेटेड निकालना है, तो यहाँ पे एक्चुअल निकाल लेते हैं, एक्चुअल सम्स क्या हो जाएगा 6 नंबर का,
एक्चुअल सम्स, यहाँ पे एक्चुअल सम्स लिख लेते हैं 126 और 311, ये जो है इसको ऐड कर देते हैं, 6 हो गया, 7 हो गया, 617, और यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया, ये हो गया। इसके बाद एक्चुअल सम के बाद इस्टीमेटेड सम निकालते हैं। इस्टीमेटेड सम्स यहाँ पे इस्टीमेट करने के लिए 10 नियरेस्ट 10 बतला रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ देखते हैं और यहाँ से इसके पीछे देखते हैं, यहाँ पे हमको चेंज करना है, तो यहाँ चेंज होगा या नहीं चेंज होगा इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, हर स्थिति में यहाँ पे 0 आएगा, या यहाँ यहाँ पे तो नियरेस्ट 10 दिया हुआ है तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि 6 है 5 से ज़्यादा है, तो 130 हो गया। और यहाँ पे यहाँ चेंज करना है तो यहाँ इसके पीछे देखते हैं, तो ये इसमें क्या है 1 है, मतलब 5 से नीचे है, इसलिए बढ़ने वाला नहीं है, ये यहाँ 0 हो जाएगा, 310 हो जाएगा ये। अब इसको कर लेते हैं प्लस, ये 0 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया, तो मतलब ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड। यहाँ पे नियरेस्ट 100 बोल रहा है, यहाँ भी एक्चुअल पहले निकालेंगे फिर एस्टिमेटेड निकालेंगे, तो इसको यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल नंबर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है ये डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा हम लोगों को एक्चुअल, ये हो गया। तो एक्चुअल यहाँ पे डिफरेंस जो है, तो जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर में रखेंगे तभी माइनस होगा, 5 ये बड़ा है 538, और नीचे में 295 रख लेंगे, इसको करेंगे माइनस, 8 में से 5 3, और यहाँ पे 3 तो यहाँ माइनस होने वाला नहीं है, यहाँ पे 9 इसमें से कैरी ले लेते हैं, और यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, तो 13 में से 9 तो 9 ये हो गया 4, मतलब 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से एक ले लिए थे तो यहाँ 4 हो गया, 4 में से 2 तो 2 बच गया, तो ये हो गया। और इस्टीमेटेड क्या हो जाएगा, इस्टीमेटेड तो इसको इस्टीमेट करेंगे, तो हमको यहाँ पे इस्टीमेटेड नियरेस्ट 100 का इस्टीमेटेड करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे हमको चेंज करना है, यहाँ पे ये बदलेगा या नहीं बदलेगा उसके लिए हम इसके पीछे जो है उसको देखेंगे, ये 5 से अगर कम है तो नहीं बदलेगा और ये ज़्यादा है तो बदलेगा, तो ये कम है इसका मतलब 5 के 5 ही रह जाएगा, तो 5 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, और ये यहाँ पे 100 प्लेस पे ये है 2, तो ये आगे जाएगा कहने मतलब 3 बनेगा या 2 ही रह जाएगा, तो इसके लिए डिपेंड करता है इस पर, ये 5 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि ये 3 बन जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 300 आ गया, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 में से 300 तो 200 बच गया, और ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है एक वॉच दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है व्हाट टाइम इज इट, मतलब कितना समय यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ 6:15 इसको लिख लेते हैं, 6:15 ये टाइम हो रहा है। उसके बाद व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के बाद कितना समय होगा, बाद मतलब इसको हम कर सकते हैं प्लस, अगर हम ऐड करते हैं तो पता चल जाएगा, तो यहाँ पे अभी कितना टाइम हो रहा है इसको रफ कर लेते हैं, हो रहा है 6:15, तो इसमें 30 मिनट प्लस कर देते हैं, 30 मिनट प्लस हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, और 4 हो गया यहाँ पे 6, मतलब 6:45 आधे घंटे के बाद 6:45 हो जाएगा, 6:45 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है व्हाट टाइम वाज इट 1 hour and 15 minutes अगो, मतलब 1 घंटा 15 मिनट पहले कितना समय हो रहा था, तो अगर 15 मिनट पहले माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और फिर 1 hour माइनस कर देते हैं मतलब 5 o'clock, मतलब 5 बज जाएगा, तो इस तरह से बतलाया हुआ है, इसको रफ भी कर सकते हैं हम लोग। अब बतला रहा है एगो मतलब माइनस करना, तो माइनस करना तभी कितना समय हो रहा है, 6:15 हो रहा है, तो हमको माइनस करना है 1:15 माइनस करना है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, और यहाँ पे 5, ऐसे भी 5 o'clock आ रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ था तो मैंने उसको व्हाइटनर लगा दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द फ्रैक्शंस इन द बॉक्सेस सोन इन द फॉलोइंग फिगर्स बाय द शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन यहाँ जो दिया हुआ है उस हिसाब से इसको
यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में लिख कर दिखाना है बॉक्स में। तो बॉक्स में तो अब लिखाएगा नहीं, इसको बगल में मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है समझ लीजिए इसको, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह का बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल जो डिवाइड किया हुआ है वो कितना है इस बॉक्स में, टोटल कितना है 1, 2, 3। तो 3 जो है आप यहाँ लिख लीजिए नीचे में, जितना टोटल नंबर रहेगा वो नीचे में रहेगा। उसके बाद शेडेड पार्ट, जितना यूज होता है शेडेड पार्ट, यूज हुआ है तो कितना है, एक पार्ट यूज हुआ 1, तो यहाँ पे 1 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से ये टोटल कितना है, सपोज यहाँ से लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो यहाँ पे नीचे में आप 8 ले लीजिए, 8 हो गया। अब कितना शेडेड है 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए, बस यही आंसर है। उसी तरह से इसमें टोटल कितना पार्ट है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 4, और कितना शेडेड पार्ट है 1, 2, 3, तो 3 हो गया, तो यहाँ पे 3। इस तरह से ये इजीली समझ के बना सकते हैं। और ये 10 नंबर हो गया, राइट द आंसर इन द प्लेस होल्डर हाउ मच इज, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 times 18। अगर 18 को 3 times मतलब 3 बार 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा। 18 का टेबल अगर आप जानते हैं तो 18 का टेबल पढ़कर 3 बार पढ़कर जितना आएगा उतना आप लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप रफ कर सकते हैं किसी कागज़ पे। ये है ए नंबर में, देख लीजिए यहाँ पे 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 3 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 4 हो गया, 2 बच गया, 3 1 जा 3, और हाथ वाला 2 रह गया, तो 3 और 2 5 हो गया 54। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है। अगर आप टेबल जानते हैं तो पढ़ सकते हैं 18 3 जा 54, या हिंदी में 18 3 54। तो यहाँ पे हम लोग 54 लिख देते हैं, 54, ये 54 इसका आंसर हो गया। बी नंबर में 5 times 20 मतलब 20 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे नॉर्मली आप जानते होंगे 25 जा 100 होता है, अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वही आएगा, 5 0 0 हो गया, 5 2 जा 10, तो 100 आता है, 100 आप यहाँ पे लिख दीजिए 100, ये हो गया आंसर। और सी नंबर में 7 times 21 तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 7 7 1 जा 7 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 147 147, ये आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे डी नंबर में 6 times 25 तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 30 हो गया, 0 3 बच गया, 12 हो गया, 12 और 3 15 हो गया, 150, इसका आंसर हो जाएगा 150, तो 150 यहाँ पे लिख देते हैं 150। 4 times 50 तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 5 4 जा 20 हो गया, 20 पे एक जीरो लगा दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये 4 से 0 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया, 200 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 ये हो गया। और 3 times 100 तो ये तो काफ़ी ईजी है, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, तो यहाँ पे हम 300 लिख देते हैं 300। और ये इस तरह से इसको हम इजीली बना सकते हैं, ये सारा आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो में हम लोग आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।